फ्रेंड्स, आज हम लोग नमकीन बनाने वाले हैं। वैसे तो हम लोग निमकी बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैदा को मैंने गूंद लिया है और मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है वो भी मैं आप सभी को बताते जाऊँगी, ठीक है। तब तक मैं ये लोई की रोटियाँ बना लूँगी, ओके। तो मैंने डाला है मंगरेला, अजवाइन एंड थोड़ा सा नमक, और इसमें रिफाइंड मैंने डाला है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी यूज़ कर सकते हैं, डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। एंड ये फुल मैदा ही है, इसमें मैंने आटा मिक्स नहीं किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, मंगरेला अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, एक चुटकी सोडा, खाने वाला सोडा डाला बस। और उसको मैंने थोड़े से गर्म पानी से उसको गूंद लिया है अच्छे से। उसको मैंने दो बार गूंदा था, ठीक है। पहले गूंदा था तो फिर उसको 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दिया था सेट होने के लिए। फिर उसको मैंने दोबारा से गूंदा, उसके बाद अभी हम लोग निमकी बना रहे, ठीक है। तो लोई हम लोग जैसे रोटी बनाने के लिए लोई करते वैसे ही हम लोग को नॉर्मल लोई कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से निमकी के शेप में इसको कट करना है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, मैं छोटे छोटे जैसे दुकान में मिलते उस तरह से मैंने कट किया है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा मोटा या पतला भी कर सकते हैं, मैंने इस तरह से कट किया है। और फाइनली ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बिल्कुल धीमी आँच पर फ्राई करेंगे, ठीक है, वरना ये पूड़ियों जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, अंदर तक ये पक जाए, इसलिए हम लोग धीमी आँच पे इसको पकाएंगे ताकि ये कुरकुरे बनेंगे, है ना। तो एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पे इसको हमें होने देना है, ठीक है। और उलट पलट के इसको चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ ज़्यादा या जल ना जाए, है ना, दोनों साइड अच्छे से ये पक जाए। तो इसे होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ आप इसे बनाइएगा। और देखिए मैं इसे पलट भी रही हूँ और आई थिंक ये हो गया है, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। फाइनली हमारा ये फर्स्ट बैच रेडी हो गया है एंड हम लोग दूसरा बैच इसमें डालेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो हमारी नमकीन ऐसे बनती है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। एंड